दिवाकर पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष के बाद एक दिन माता पक्ष माता मह यानी नाना नानी का श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। साल 2024 में पितृ विसर्जन अमावस्या 2 अक्टूबर को होगी। इस दिन पितृ पक्ष के ज्ञात अज्ञात पितरों या फिर जिन पितरों का श्राद्ध भूल गए हैं उनका श्राद्ध कर्म पिंड दान तर्पण आदि इस दिन किया जाएगा। इसके अगले दिन 3 अक्टूबर को मातृ पक्ष यानी नाना नानी का श्राद्ध करने से उनको शांति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने लोक लौट जाते हैं। इसकी अधिक जानकारी लोकल 18 को देते हुए हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते हैं जिसका समय 16 दिन का होता है। तत्पश्चात जो प्रतिपदा तिथि है आश्विन माह शुक्ल पक्ष, इसमें ऐसा कुछ पंचांग के अनुसार बताया है कि माता मह अर्थात नाना नानी का श्राद्ध प्रतिपदा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को करना चाहिए। जिन परिवारों में ऐसी परिस्थिति रही है जो कि पुत्र इत्यादि संतान नहीं होती और वे अपने दोहते के द्वारा जो पुत्री का जो पुत्र होता है उनके द्वारा नाना नानी का श्राद्ध किया जाता है, तो उसके लिए आश्विन मास शुक्ल पक्ष की तिथि को पंचांग के अनुसार माना है। इसीलिए जो नाना नानी का श्राद्ध करना चाहते हैं, माता में है नाना नानी का श्राद्ध, तो वे प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की तिथि को संपन्न करें। जिनका भी हमारा अधिकार है कि इनका हमें श्राद्ध करना चाहिए, उनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिले, तो उनको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि उनको वैकुंठ लोक में भी उनको सुख प्राप्त हो और वे हमेशा हमें इस मृत्यु लोक में पृथ्वी लोक पर हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हो और परम पिता परमेश्वर की भी कृपा हमेशा बनी रहे। मातृपक्ष का जो माता मह का जो श्राद्ध है उसको करने से भी हमें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और इसको हमें श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। साथ ही उनके उद्धार के लिए हमें दान वस्त्रदान अन्नदान एवं और अन्य जो वस्तुओं का दान हम चाहते हैं उसको भी अवश्य करें, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो।